राम राम दोस्तों, स्वागत है शिव भाइयों का फौजी सक्सेस पॉइंट पे। तो भाई आज बहुत बढ़िया खुशी का दिन है और अपना भी जो है ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। तो भाई इस खुशी में कई भाई बोल रहे थे भाई वीडियो बना दो, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, मतलब कि थोड़े बातचीत कर लेंगे भाइयों से। और जो अपना ज्वाइनिंग लेटर है, जो ये है अपना जो ज्वाइनिंग लेटर, और भाई मैं मेरी फाइल की बता दूँ कितनी तारीख को गई थी और कितने तक ज्वाइनिंग की वो है। तो भाई ये मेरी फाइल गई थी 27 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को फाइल गई थी। लगभग ये 53 के समथिंग दिन हो गए, 53 दिन लगे हैं ज्वाइनिंग लेटर आने में। और ये इसमें 24 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो भाई खुश तो पहले भी थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज जो है खुशी वो ज़्यादा है। और कुछ भाई क्या है, मतलब कमेंट में भी या जिस भाई ने भी मेरे पास मैसेज किया है ना, उसने यही किया है कि भाई तेरा ज्वाइनिंग आ गया भाई। लगभग मतलब हर दिन 15-20 बंदे ऐसे थे जो ये पूछते थे सिर्फ कि भाई तेरा ज्वाइनिंग आ गया, क्या जवाब दो यार उनको। और कुछ भाई गांव वाले आस पड़ोस वाले, भाई क्या हुआ ज्वाइनिंग का, आर्मी में लग गया था भाई। उनके हिसाब से तो भाई वही आर्मी होती है, मतलब कि लग गए और महीने के बाद ज्वाइनिंग का टाइम दे दिया और चले गए, जाके ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो उनके हिसाब से तो वही आर्मी है, लेकिन सभी को अपन मतलब ये समझाना कि भाई क्या कुछ प्रोसेस होता है, ये कैसी आर्मी है, मतलब अलग से फायरमैन क्या होता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, ये हर किसी को बताना संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। और भाई जो ज्वाइनिंग है, जो कुछ भाई स्पोर्ट्स वाले हैं, लगभग क्या मेरे को लग रहा है कि 80 से 85, क्योंकि आज भी बहुत सारे लेटर आए हैं। लगभग मेरे ही ग्रुप के, मतलब मेरे ही यूनिट के लगभग 10-15 लेटर आज आए हैं। तो लगभग सभी भाइयों के जो 80-85% है ना, जो लेटर हैं वो आ चुके हैं जिसकी ज्वाइनिंग आनी थी। और अब जो 15% बच गए हैं वो स्पोर्ट्स वाले हैं, और या फिर जिस भाई की किसी वजह से फाइल वापस आई थी, मेरे भी एक दो यार दोस्त हैं, उनकी भी फाइल वापस आई थी 20 नवंबर के समथिंग, उनकी वापस गई है, तो उन भाइयों की जनवरी तक आ जाएगी। और स्पोर्ट्स वाले हैं, उनकी भाई एक वेरिफिकेशन और मांगी है, तो वह वेरिफिकेशन होने के बाद उनकी भी आ जाएगी। तो कोई वो भड़क वाली बात नहीं है। और मैंने तो स्टार्टिंग से, मैं जब वीडियो बनानी शुरू करी, मैंने जून में ही वीडियो बनानी शुरू कर दी थी मेडिकल के बारे में, स्टार्टिंग में बनाई थी, और बाद में जैसे जैसे भाई फिर बनाता गया। तो भाई मैंने स्टार्टिंग तक यह कही थी पेशेंस रखो, इसमें ऐसे ही प्रोसेस में ऐसे टाइम लगता है, ठीक है भाई। पीछे की कोई भी वीडियो जिस भाई ने देखी है उसी वाले ने, तो वो जानता होगा कि भाई मैंने कदे भी डिमोटिवेट करने किया, किस तरह की इसी कोशिश कौन करी कि भाई तारा न्यू लगा है। हमेशा यह कही कि आ जाएगी, बस ज्वाइनिंग आओगी, और आ रही है। और कुछ भाइयों की, और जिसकी बच गई वो और आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसके डॉक्यूमेंट सही हैं भाई, 5-4 दिन महीनों आगे पीछे बस ज्वाइनिंग आनी है वो आ जाएगी, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और भाई बस मेरा तो एक ये दुख है कि भैया दाढ़ी कटवानी पड़ेगी ड्रेस के ऊपर, या दाढ़ी अलाउड कौन, तो बस यो दुख है। और बाकी सही, सब सही है, और क्या बस सही है। कुछ दिन भाई, हाँ व्लॉग बनाया है भाई, तो चैनल ने सब्सक्राइब करियो, व्लॉग भी देखियो, और जो के सामान ले जाऊँ उस पर भी वीडियो बनाएंगे, और ज्वाइनिंग के टाइम सारी जो है वीडियो मैं बनाऊंगा। तो देखते रहिए, और कोई अपना सवाल हो ना तो अपने कमेंट में पूछ लियो, और या फिर और वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।